के ये दाना खा के पानी पी रहे हैं, बाकी मेहमान खाएंगे क्या? सो गाइस हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। गाइस ये लॉलीपॉप खाते हुए गेम खेल रहा है, अभी आप देख सकते हो अभी आज का सीन है। मम्मी जी आई हैं, आप देखी होगी नेक्स्ट व्लॉग में। और अभी हम चलते हैं, देखते हैं सभी लोग क्या कर रहे हैं। अभी पार्ट को तो आपने देखा ही, चलते हैं देखते हैं दादी जी पापा जी मम्मी जी कौन क्या कर रहा है। ठीक है चलते हैं गाइस। पापा जी सो चुके हैं, दादी कथा देख रही हैं और मम्मी जी क्या कर रही हैं देखते हैं। सो गाइस अभी मम्मी जी बना रही हैं हमारे लिए पकौड़ियाँ, आप देख सकते हो ये पकौड़ी है प्याज की जो मुझे बहुत पसंद है, डाल रही है। तो मम्मी जी आप पकौड़ी कैसे बनाती हैं, मतलब क्या क्या डालती हैं आप? बच्चों को जो पकौड़ी पसंद होती है मैं वही पकौड़ी बनाती हूँ। बेटा को, एक बच्चे को मेरे आलू का पकौड़ी पसंद है तो मैं आलू का बना रही हूँ। गाइस जो प्याज की बात है, एक बच्चे को मेरे प्याज की पकौड़ी पसंद है तो पहले मैं प्याज की पकौड़ी बना रही हूँ। जो बड़ा बच्चा है पहले उसके लिए, फिर जो छोटा बच्चा है फिर उसके लिए। इधर देखो बेसन रेडी है, इधर पकौड़ी है, इधर की पकौड़ी है। मम्मी जी आप इसमें क्या क्या डाली हैं? बेसन डाले हैं, आलू कट किए हैं, अजवाइन डाले हैं थोड़ा सा अजवाइन टेस्ट के लिए जिससे टेस्टी हो जाए पकौड़ी, और नमक डाले हैं, हल्दी डाले हैं, मिर्चा डाले हैं जिससे ये अम्मी बने। यस गाइस तो अभी पकौड़ी रेडी हो रहा है, आप देख सकते हो मम्मी जी बना रही है हमारे लिए पकौड़ी। गाइस सुबह सुबह आज सुबह ब्रेकफास्ट। यस गाइस आप देख सकते हो उधर पकौड़ी जा चुका है तेल में। सो गाइस अभी मम्मी जी पकौड़ियों को पलट रही, कैसे पता चलता है क्योंकि पकौड़ी पलटने का टाइम आ गया, ब्राउन हो जाता है ना। गाइस आप समझ सकते हो ब्राउन रेड हो जाता है तो पता चल जाता है कि पकौड़ी पलटने का टाइम आ गया। कल मम्मी जी पापा जी पार्क गए थे प्रोग्राम में, लौटे काफी थकावट हो गई, फिर भी गाइस मम्मी जी हमारे लिए पकौड़ियाँ बना रहे हैं, आप देख सकते हो। पापा जी तो आधा सोए हैं आधा जग रहे हैं, बीच बीच में जग जा रहे हैं, जग के बीच बीच में सो जा रहे हैं। और पांच वाली पॉप खाते हुए मोबाइल में बिजी हैं और दादी जी कथा देख रही हैं सुन रही हैं और मम्मी जी हमारे लिए पकौड़ियाँ। सुबह सुबह गाइस बड़ी अच्छी लग रही है पकौड़ी, मैं तो अब यहीं पे खड़ी हुई है, यहीं पे खाना शुरू कर दूंगी। यस गाइस मम्मी जी बहुत ही कुरकुरी पूरी, बहुत ही कुरकुरी पकौड़ी बनाती है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी आप देखो कितना अच्छा लग रहा है। सो गाइस अभी पकौड़ियाँ रेडी है, पकौड़ियाँ निकल गई हैं और पार्ट कोल्ड ड्रिंक खोल रहा है। कूलर चलो सुनाई नहीं देगा, पापा जी गाइस आधा सोए थे आधा जगे थे, अब उठ चुके हैं पूरा। और इधर दादी जी गाइस अभी आप देख सकते हो सारी चीजें रेडी हैं और ये निकाल रहा है कोल्ड ड्रिंक आज। गाइस पापा जी ड्यूटी से आए हैं, जो सामान लाए हैं पार्ट ला रहा है गाइस मंगो। सो गाइस आप देख सकते हो ये आम खा रहा है, मतलब गाइस आम लिया हुआ है हाथ में, छिलके अलग कर ले रहा है नोच नोच के और फिर खा रहा है। देखो आप इसे क्या कर रहा है, गाइस छिलके भी छोड़ने नहीं चाहिए, छिलकते हैं। ओहो छिलका खा लिया गाइस, ऐसा लग रहा है पान खा रहा हूँ। निकालो छिलका, सभी पापा जी जा रहे हैं आम का रस बनाने, आम कट कर रहे हैं और पार्ट लाए पापा जी के लिए पानी का एक टुकड़ा निकाल के सिर्फ खाना इस बिस्किट में से, मेहमान आएंगे उनको भी खिलाना है। अरे भैया चीनी का एक टुकड़ा, ये दाना खा के पानी पी रहे हैं, बाकी मेहमान खाएंगे क्या? ये तो पार्ट का दिमाग है, अरे पापा जी असली में नहीं खाएंगे लग रहा है। हम भी लेंगे खुद खा रहा है, पूरा ले लो, ले लो पूरा, उसमें है यार। अरे पानी नहीं पीऊंगा यार। गाइस क्या हरकत करता है, कैसे जूस पी रहा है आप देखो, दोनों हाथों को करके इधर और मुंह लगा के पी रहा है। सभी लोग अच्छे से पी रहे हैं लेकिन ये लड़का पागल हो गया है। सो गाइस अभी हम डिनर करते हुए इस ब्लॉग को करते हैं एंड।
मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आज हमारे डिनर में है पनीर की सब्जी, आमरस पूड़ी और जीरा राइस। राइस अभी मैं थोड़ी देर बाद लूंगी, अभी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।